स्पीड पर सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, रॉकेट, एरोप्लेन या फिर बुलेट ट्रेन। लेकिन ऐसा कुछ है इंसानों द्वारा बनाया गया जो कि इन स्पीड के मामलों में इन सब चीज़ों से कहीं गुना आगे है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साहिल चौधरी। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है स्पेस क्राफ्ट यानी कि प्रोब्स जो कि स्पेस में छोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आसमान में यानी कि स्पेस में स्पीड को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है, क्योंकि स्पेस में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए कोई और ऑब्जेक्ट चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर खुले स्पेस में हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो आप उसकी स्पीड का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? स्पीड जानने के लिए कोई और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि कोई और प्लैनेट, मान लीजिए जुपिटर। अगर यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो आप स्पीड इस तरह से कैलकुलेट होगा कि वो ऑब्जेक्ट जुपिटर की तरफ कितने तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर अर्थ से कितने तेज़ी से दूर जा रहा है। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं हुआ तो स्पीड नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। तो अब स्पेसक्राफ्ट के स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला होता है अर्थ। अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे काफ़ी इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम यहीं से कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है सन। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को यूज़ करते हैं उसे कहते हैं जियोसेंट्रिक स्पीड, और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस सन को यूज़ करते हैं तब उसे कहते हैं हीलियोसेंट्रिक स्पीड। तो यहाँ हम अर्थ की बात करेंगे यानी कि जियोसेंट्रिक स्पीड के बारे में। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एक और ट्रिक होता है। वो ये होता है कि जब स्पेसक्राफ्ट किसी प्लैनेट के पास जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि प्लैनेट अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे घुमाने लग जाता है अपने चारों तरफ, जिससे कि उसका स्पीड कई गुना बढ़ जाता है नॉर्मल स्पीड से। तो वो एक ट्रिक होता है, क्योंकि जब प्लैनेट के पास जाता है अगर हम उस समय कैलकुलेट करें स्पीड तो वो नॉर्मल स्पीड से अलग होगा। तो इसे कैलकुलेट करना काफ़ी वेरिएबल है और उसका मीन निकाल करके ही साइंटिस्ट के एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अब हम जानेंगे उस स्पेसक्राफ्ट को जो ह्यूमंस द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज ऑब्जेक्ट है या माना जाएगा। तो वो स्पेसक्राफ्ट है जूनो। जूनो भेजा गया था जुपिटर के सतह की तलाशी देने के लिए। इसका मैक्सिमम स्पीड पहुंच चुका है 265,000 किलोमीटर पर आवर या फिर 165,000 माइल्स पर आवर कंपेयर टू अर्थ। ये अब तक का इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे तेज ऑब्जेक्ट है। अगर हम हीलियोसेंट्रिक स्पीड की बात करें यानी कि स्पीड कंपेयर टू सन, तो दो ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो कि लगभग जूनो को टक्कर देते हैं। ये दोनों हैं हीलियोस 1 और हीलियोस 2, जिनकी स्पीड लगभग 253,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है कंपेयर टू सन यानी हीलियोसेंट्रिक स्पीड। चलिए अब जूनो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। जूनो को लॉन्च किया गया था अगस्त 5, 2011 में और ये जुपिटर की सतह पर प्रवेश कर गया था जुलाई 5, 2016 में। और जूनो के बारे में एक बहुत ही अलग और ख़ास बात है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। जूनो एक सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट है, उसमें सोलर सेल्स यूज किया गया है। जनरली क्या होता है कि सोलर सेल्स उन स्पेसक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है जो कि अर्थ को ऑर्बिट करता है या फिर उस सन के पास रहता है, लेकिन जूनो जैसा कि आउटर सोलर सिस्टम में पहुँच गया था उस समय सन की रेज वहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँचती है, इसलिए ज़्यादातर स्पेसक्राफ्ट जो आउटर सोलर सिस्टम में जाती है उनमें यूज होता है थर्मोरेगुलेटेड इंजन यानी कि न्यूक्लियर इंजन यूज होते हैं। लेकिन जूनो में यूज़ किया गया था सोलर इंजन और फिर भी वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहा है, जो कि अपने में एक अजूबा है। दोस्तों, 2018 में अभी एक और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाला है जो कि बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। इसका नाम है सोलर प्रोब प्लस। सोलर प्रोब प्लस जाने वाला है सन के एटमॉस्फेयर पे और ऐसा करने वाला वो पहला स्पेसक्राफ्ट होगा। उसके बाद वो स्पीड रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा। साइंटिस्ट एक्सपेक्ट किया है कि उसकी एक्सपेक्टेड स्पीड होगी 7,24,000 किलोमीटर, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा है। और मज़े की बात बताऊँ, इस स्पीड में अगर आप अर्थ से मून तक का सफ़र तय करें तो सिर्फ 30 मिनट में अर्थ से मून तक आप पहुँच सकते हैं। समझ लीजिए कितनी तेज स्पीड है ये। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम इस सोलर प्रो प्लस के वीडियो बनाएं, तो ज़रूर इस वीडियो पे आप लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा। अगर इस वीडियो पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसके ऊपर ज़रूर एक और वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।